हलब के कुछ बदमाशों ने मंसूबा बनाया, इसी तरह का नापाक मंसूबा बनाया, इसी तरह की सोच रखते हुए मंसूबा बनाया, और उन्होंने मदीना के उस वक्त के अमीर को तहाइफ दिए, तहाइफ देकर दोस्तियां बना ली, ताल्लुक बना लिया। और एक दिन उसके बड़े ने कहा मदीना के अमीर से कि एक रात ना मेरे कुछ मेहमान आएंगे और कुछ इबादत करेंगे और कुछ उनका काम है, तो उन्हें रोकना ना, पहरेदारों को कह दो। पहरेदारों का इंचार्ज उस वक्त के थे शेख शमसुद्दीन सवाब। अमीरे मदीना ने उन्हें कह दिया कि कुछ मेहमान आ रहे हैं हलब से, तो उन्होंने कुछ सलाम पेश करना है, इबादत करनी है, कुछ काम है, तो उन्हें रोकना ना। शेख ने कहा ठीक है। आधी रात के वक्त बाब सलाम से 40 दाखिल हुए और उनके हाथों में कुदाल, गेंतियां, बेलची, हथियार। शेख शमसुद्दीन अकेला समझ गया कि इनके अजाइम नापाक हैं, ये नापाक इरादे से दाखिल हुए हैं। शेख शमसुद्दीन ने रब का दरवाजा खटखटा के कहा मौला मैं बेबस हूं, इनके इरादे अच्छे नहीं लगते, मैं बेबस हूं, तू जान, तेरा महबूब जाने और तेरे महबूब के यार। ये 40 दाखिल हुए। आप बाबू सलाम से दाखिल हो तो सतूनों के ऊपर नंबर लगे हुए, जिस तरह यहां पंखों के ऊपर नंबर लगे हुए, तो आप देखिएगा, आप भी जाकर सतून नंबर 176, 177, 178, ये 3 सतून नंबर, इनके दरमियान की जगह अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन फटी और ये 40 के 40 जिंदा दफन हो गए। तुरक हुकूमत ने उस जगह पर सिया काले रंग के पत्थर लगा दिए, आज भी कालीन उठाइए तो नीचे आपको वो सिया पत्थर दिखाई दे। मेरे आका की पेशनगोई है अबू बकर उमर मेरे साथ होंगे, अबू बकर उमर मेरे साथ यूं कयामत के रोज उठेंगे, और ये कुछ भी हो जाए ये पेशनगोई सच्ची है, मेरे आका की पेशनगोई सच्ची है, और सच्चे नबी की पेशनगोइयां सच्ची होती हैं। मिर्जा कादियानी की हर पेशनगोई झूठी थी, मेरे आका की हर पेशनगोई सच्ची थी। मिर्जा कादियानी ने पेशनगोई की कि मैं मक्का और या मदीना में दफन होऊंगा, दफन होना तो दूर की बात, मक्का और मदीना देखना भी नसीब नहीं हुआ। मेरे आका की हर पेशनगोई सच्ची थी। मेरे आका तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आए मसला पूछने के लिए, हुजूर ने फरमाया फिर किसी वक्त आना। वो सहाबिया कहती है या रसूलल्लाह फिर मैं आऊं और आप ना हुए तो? फरमाया अबू बकर। बोलिए बोलिए बोलिए।